वेलकम टू फैंटेसी काउंसिल। 100 मेंस कंपटीशन का नया मैच आने वाला है, जो होने वाला है ट्रेंट रॉकेट्स और बर्मिंघम फीनिक्स के बीच में। एक तरफ रहने वाला है स्ट्रॉन्ग बॉलिंग और ऑलराउंडर वाला लाइनअप और एक तरफ रहने वाली है धुरंधर बैटिंग लाइनअप वाली टीम। लेकिन अगर आप चैनल पर रह रहे हैं तो कर लीजिए दो आसान से काम, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अभी लाइक कर दो क्योंकि आगे जाते जाते ये पसंद ही आएगी। और दूसरा आसान काम, बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ आप करें दूसरा आसान काम, ज्वाइन करके हमारा टेलीग्राम चैनल जो है फैंटेसी काउंसिल के नाम से, जो आपको लिंक भी आपको कहां मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में। इतना आसान काम आप लोगों के लिए कर दिया है कि दिन के चार मैच भी होंगे तो चारों के चार यहां पे कवर होंगे और पूरा शेड्यूल आपको सुबह अपने फोन पे आ जाएगा। ना आपको कोई साइट खोलने की जरूरत, ना आपको गूगल करने की जरूरत, आपने अपना फोन सुबह खोला आपको पता लग जाएगा कि आज कौन से मैचेस है जो हम लोग अपने टेलीग्राम पे कवर कर रहे हैं और यूट्यूब पे कवर कर रहे हैं। इसलिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, सीधा लैंड करोगे लिंक पे टैप करके फैंटेसी काउंसिल के चैनल पे, वहां एक ऑप्शन आएगा आपका प्यारा से ज्वाइन का, ज्वाइन कर लो और वॉलेट बैलेंस बढ़ाना शुरू करो। अब नजर मान लेते हैं दोनों टीम्स के लाइनअप पे, ग्रैंड लीग प्रेडिक्शंस पे, साथ ही साथ स्मॉल लीग की कंप्लीट टीम, ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन। अगर जाना चाहते हो मालदीव्स दो रात और तीन दिन के लिए तो बल्लेबाजी आपका ये सपना पूरा करने वाला है बहुत ही आराम से। लो मैं एक दिन और बढ़ा देता हूं आपका, चार दिन तीन रातें तो आपके लिए आसान हो गया मालदीव्स जाना। रिवार्ड प्रोग्राम में आपको मिलने वाला है मालदीव्स की ट्रिप, स्कॉर्पियो, टाटा हैरियर, गोवा भी आप जा सकते हो, साथ ही साथ सैमसंग गैलेक्सी अगर आप चाहते हो नया एंड्रॉइड फोन लेना तो भूल जाओ, नया मत खरीदो मेरे कहने से, यहाँ पे खेलो आपको फ्री में फोन मिल जाएगा, वन प्लस नोट, वन प्लस 10R, पता नहीं कितने फोन है दुनिया भर के, तो एंड्रॉइड फोन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। पिछले महीने याद है आईफोन निकला था मेरा, तो आप क्यों इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा रहे। तो अगर आप अभी तक खेल रहे हो किसी ऐसे ऐप पे जो आपको रिफंड में कुछ नहीं दे रहा है तो छोड़ दो और आ जाओ बल्लेबाजी पे, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके टैप करो, डाउनलोड करो, साइन अप करो, बोनस भी मिलेगा और उस बोनस से आप कुछ कॉन्टेस्ट जैसे 5% 10% ज्वाइन भी कर सकते हो, तो पैसा कमाओ। आप चलते हैं, देख लेते क्या रहने वाला है लाइनअप ट्रेंट रॉकेट्स का। ये टीम ऐसी टीम जिसके पास बल्लेबाजों की कमी ही नहीं है। अगर आप टॉप ऑर्डर के साथ चलोगे, एलेक्स हेल्स, कैट मोरे ही रहने वाले हैं ओपनर्स, वन डाउन डेविड मलान का, इन फॉर्म डेविड मलान का, कॉलिन मुनरो, जो रूट, लुइस ग्रेगोरी जो कप्तान भी होते हैं ट्रेंट रॉकेट्स के, समित पटेल, डैनियल सैम्स, मर्चेंट भी लेंगे, वुड और फ्लेचर, ये है कंप्लीट ट्रेंट रॉकेट्स की टीम। डाउन आपको क्लियर हो गए, यही डाउन रहने वाले हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे डेथ के बॉलर, पावर प्ले के बॉलर और मिडल ओवर्स के बॉलर कौन रहने वाले हैं। डेथ में आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि डेथ सबसे मेन चीज होती है यहाँ पे, डैनियल सैम्स आपको डेथ और पावर प्ले दोनों में मिलेगा, शुरू के कुछ 5-10 बॉले फेंकेगा पावर प्ले में, फिर डेथ में आके 5-10 बॉले होंगी। मर्चेंट भी लेंगे से मिडल ओवर्स और डेथ के ज्यादा करवाए जाते हैं, ल्यूक वुड आपको पावर प्ले में नजर आ जाएगा और साथ ही साथ ग्रेगोरी, फ्लेचर और समित पटेल, ये आपको मिडल ओवर्स और थोड़े थोड़े डेथ के ओवर डालते हुए नजर आएंगे। लेकिन मेन डेथ के आप मान के चलो डैनियल सैम्स और मर्चेंट भी लेंगे, इन्हीं से कराए जाएंगे डेथ के ओवर्स। अब देख लेते बर्मिंघम फीनिक्स का लाइनअप जो ऑलराउंडर और बॉलर से भरा हुआ है। टॉप ऑर्डर में मैथ्यू वेट जैसा एक्सपीरियंस कीपर बैट्समैन, विल स्मिथ जैसा हार्ड हिटर, लिविंगस्टन जैसा ऑलराउंडर जो बल्ले से तो तोड़ ही मारता है, 100 मैच में बहुत मारा है, मोइन अली जैसा ऑलराउंडर जो एक ऑफ स्पिन भी कराता है, ये बहुत पुरानी फोटो है अगर आप देखोगे भाई साहब के हमारे प्यारे से बाल है, फिर बेंजामिन होवन ये भी ऑलराउंडर है, हेल्म लीच, ताहिर, रिचर्डसन, मिलने, ये पेस पावर रहने वाली है इनकी और ये आपको पावर प्ले और डेथ दोनों में मिलने वाले हैं। मिलने और रिचर्डसन, लिविंगस्टन और ये आपको मिडिल ओवर्स में मिलेंगे। अगर इमरान ताहिर से मिडिल ओवर्स कराए जाएंगे क्योंकि लेग स्पिनर है, बाकी इनमें से इक्का दुक्का ऐसे 5-5 बॉले 10-10 बॉले करवाई जाएंगी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप बर्मिंघम फीनिक्स का, तो ऑन पेपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। अब देख लेते हैं पिच रिपोर्ट, ट्रेंट ब्रिज में ये मैच होने वाला है, नॉटिंघम का ये ग्राउंड रहने वाला है जहां का वेदर बहुत ही सेक्सी होता है, बहुत ही अमेजिंग होता है, बहुत ही मजेदार होता है। यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली सर्विस है, एवरेज स्कोर इन फर्स्ट इनिंग 171 रहता है, पेसर्स के लिए एडवांटेज इसलिए क्योंकि वो डेथ में आके बॉलिंग कराते हैं तो विकेट उनको ज्यादा मिल जाती है। जो इनके बीच में दो मैचेस हुए थे दोनों बर्मिंघम ने ही जीते थे, एक बार बैटिंग फर्स्ट करके एक बार बैटिंग सेकंड करके। देखो मैंने आपको भी क्या बोला था स्ट्रॉन्ग कौन है, बर्मिंघम फीनिक्स ये पिछली बार बहुत अच्छा खेली थी और लिविंगस्टन जैसे प्लेयर जब आ जाते हैं ना टीम में तो दही तोड़ देते हैं सामने वाली टीम की। अब उस स्कोर कार्ड को उठा लेते हैं जो इनके बीच में लास्ट लेटेस्ट मैच खेला गया था,
तो लेटेस्ट मैच ऐसा हुआ था, बर्मिंघम फीनिक्स ने करी थी पहले बैटिंग, 100 बॉलें खेली फिन एलन, लेकिन ये मैच नहीं खेल रहे क्योंकि न्यूजीलैंड और नीदरलैंड की सीरीज चल रही है। विल स्मिथ के 18 रन, लिविंगस्टन 1 डाउन 50 रन, फिर माइल्स 38 रन, बेंजामिन 7, होवेन 12, कुक 4 रन। अब यहां से जब बॉलिंग करने की बात आई, विकेट लेने की बात आई, तो सैम कुक ने 20 बॉलें फेंकी, 2 विकेट लिए इनकी तरफ से। अब आप ध्यान से सुनना क्योंकि ये चीज आपके काम आएगी कि कौन कौन कितने ओवर। समित पटेल की जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि 20 बॉलें ये करा देता है, एक विकेट लेके गया था। मैथ्यू वाटर को भूल जाओ, राशिद खान इस मैच में शायद खेले या ना खेले, ये थोड़ा सस्पेंस है क्योंकि 9 अगस्त से इनकी अपनी भी सीरीज आने वाली है, तो शायद अफगानिस्तान की तरफ से ये खेलेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा डाइस हूँ, मर्चेंट भी रहेंगे, 20 बॉलें एक विकेट डेथ में अपने ओवर्स करा के गया था। वहीं पे जब बात आ जाती है चेस करने की, तो डार्सी शॉर्ट्स एलेक्स हेज कुछ नहीं कर पाए थे चेस करने में, डेविड मलान ने बहुत ही 100 रन से चूक गया था। मुलानी ने 49 मारे थे, समित पटेल के 16 रन, लुइस ग्रेगोरी जो कप्तान है इस टीम के 25 रन, टॉम मूर्स के 13, राशिद भाई के 2, मैथ्यू गार्टर के 14 रन। अब विकेट लेने वाले टॉम हेल 15 बॉल एक विकेट, पेनिंगटन को भूल जाओ नहीं है इस मैच में, पैट ब्राउन को भी छोड़ देते हैं, इमरान ताहिर 20 बॉल 2 विकेट, बेनी होवेल 20 बॉल 1 विकेट, लियाम लिविंगस्टन 10 बॉल 3 डॉट, विकेट कोई नहीं। तो लिविंगस्टन यहाँ पे बॉलिंग भी कराते हुए मिलेगा, यहाँ पे आपको बल्ले से भी मारता हुआ मिलेगा और बॉल से भी मारता हुआ मिलेगा। अब देख लेते क्या रहने वाले हैं हमारे फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर्स इस वाले मैच में, जो आपको ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग सब में जिता सकते हैं, लेकिन इन्हें ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग में ज्यादा ट्राई करें। मैथ्यू वेड ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर, एक्सपीरियंस के साथ 187 मैचेस 3500 रन, 130 का आईएस, 1 शतक 21 अर्धशतक 26 के एवरेज। जब 100 मैन जैसा कंपटीशन आता है तो ऐसा कीपर बहुत ज्यादा स्कोर करने के चांसेस रखता है। तो हमारे पास कीपर में कौन कौन से ऑप्शन है, कैड मोरे है हमारे पास, मैथ्यू वेड है, यहाँ पे हम वेड पे थोड़ा रिलाई कर सकते हैं कैड मोरे के साथ भी, चाहे हम उसको अपनी टीम में भी रखें, लेकिन हाँ ये एक बेहतर ऑप्शन है क्योंकि ओपनिंग में और इंग्लैंड के पिचेस पे या ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे वेड जैसा बैट्समैन काफी अच्छा परफॉर्म करता है। अगला प्लेयर है एलेक्स हेल्स। एलेक्स हेल्स की जब हम बात करते हैं तो नजर आते हैं इसके 100 जो इसने 5 बार मारी है, 350 मैचेस और ऑलमोस्ट 10,000 रन, 30 की एवरेज, 116 का आईएस, 6150s। एलेक्स हेल्स की मैं आपको बताता हूं, अगर जगह किसी ने खाई तो वो जॉस बटलर, जॉनी बेस्ट तो जेसन रॉय, वरना एलेक्स हेल्स ना एक टाइम पे इंग्लैंड का बहुत ही अच्छा बैट्समैन होता था, और एक मैच तो ऐसा था इसने 164 रन मारे थे और बाहर निकाला था, वो आपको शायद ना याद हो क्योंकि काफी पुरानी बात हो गई है वो, लेकिन बहुत अच्छा खेला था। 21 मैच में इस स्पेसिफिक वेन्यू पे अगर हम बात करें तो 630 रन है 30 के एवरेज से, तो यहाँ पे ये मारता है अच्छा खासा स्कोर करता है। लास्ट हेड टू हेड जब ये 2 मैचेस में मिले थे 13 रन 38 रन कुछ इस तरीके से रहा था एलेक्स हेल्स का स्कोर। तो हेल्स के बल्ले से फिर से एक आतिशी पारी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पीएसएल में भी अच्छा खासा खेल के गया है। अब आ जाते हैं लिविंगस्टन पे, जिसने भी इंग्लैंड की तरफ से तो बहुत ही खराब खेला है, 194 मैचेस में ऑलमोस्ट 5000 रन, 28 के एवरेज, 2 शतक 28 अर्धशतक इस वेन्यू पे, 4 मैच में 189 रन, तो ये एवरेज कम मत समझना, 189 ऑलमोस्ट 50 की एवरेज है ये, विकेट कोई नहीं है, लेकिन हाँ इस बार थोड़ा ये विकेट से शैकल्स टूट सकते हैं। पिछले मैच में 50 मारी थी जब ये मिले थे, उससे पहले 23 रन नॉट आउट, बॉलिंग नहीं कराई थी तो विकेट खा सकते। तो लिविंगस्टन को हम अपने ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में रखेंगे, चाहे ये टीम पहले बैटिंग करे चाहे ये टीम बॉलिंग करे, दोनों में ही फायदेमंद है, सेम एलेक्स हेल्स के लिए जाता है, चाहे पहले बॉलिंग चाहे पहले बैटिंग। मोइन अली, अली साहब की खासियत क्या है, 239 मैच है, 5000 रन है, 25 के एवरेज, 169 विकेट, ये है खासियत, विकेट्स भी रन भी और एवरेज भी। इस वेन्यू पे 4 मैचेस खेले हैं, 38 रन लेकिन 4 विकेट है, तो बल्ले से फ्लॉप हुए हैं अली साहब लेकिन बॉलिंग से फ्लॉप नहीं हुए हैं। वही अगर आप देखोगे लास्ट हेड टू हेड तो 26 रन है और 20 बॉल में 29 रन देके 1 विकेट लिया है। इस मैच में आपको बॉलिंग भी करते हुए नजर आएंगे, बैटिंग करते हुए भी नजर आएंगे। अगला प्लेयर है डैनियल सैम्स, अपनी डैनी डैनियल्स। यहां पे ओवरऑल रिकॉर्ड देखो, 903 रन है लेकिन विकेट 114 है सिर्फ 97 मैचेस में, 98 नॉट आउट, 4 बार 50 मार दिए, तो अगर बैटिंग आ जाती है तो बैटिंग से भी परफॉर्म करता है। बीबीएल का तो ये खास प्लेयर होता था, बहुत लोगों का ये कप्तान या उप कप्तान होता था, कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन में सबसे ज्यादा हम लोगों ने डैनियल सैम्स को ही देखा है बीबीएल में। अब आ जाते हैं हम अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइसेस पे। देखो क्लियर कट चॉइसेस कुछ ऐसी दे रहा हूं जिनके हाईएस्ट चांसेस है निकलने के, कैप्टन लियाम लिविंगस्टन, चाहे ये पहले बैटिंग करे चाहे ये पहले बॉलिंग करे, दोनों केस में आप अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बना लो, परफॉर्म करेगा ही करेगा। मोइन अली
अगर ये टीम पहले बैटिंग करी है तो उस केस में मोइन अली को ज्यादा अपना कैप्टन रखना, क्योंकि वहां से बैटिंग भी आएगी और चेस करते हुए बॉलिंग भी करेगा तो ज्यादा फायदा होगा। एलेक्स हेल्स को अपने 20-30% कॉम्बिनेशन में जरूर बनाना कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि ये बंदे का अगर बल्ला चल गया तो 100 बॉल्स में भी ये 100 मार सकता है, इतना कैलिबर है। बहुत पसंद था मुझे ये बैट्समैन और अब भी पसंद है, इसने बहुत अच्छा खेला है पीएसएल में भी, इसने मुझे बहुत बार जिताया है। 6 ओवर में इसने पीएसएल में ना 60-70 रन मार दिए अकेले में, इस तरीके से बैटिंग है इसकी। डैनियल सैंड्स को वीसी कब बनाओ, जब सिर्फ एक ही केस में, जब ये टीम बॉलिंग कर रही है उसी केस में, वरना मत बनाना। मैथ्यू वेड को वीसी दोनों केसेस में बनाओ, लेकिन रिस्की टीम में, तो जिसका बजट कम है वो इसके लिए वीसी ना जाए। और कैर मोरे के लिए भी आप वीसी जब भी जाओ, जब आप अपना एक रिस्क लेना चाहते हो और मिनी ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो, क्योंकि अगर मिनी ग्रैंड लीग में कैर मोरे ने स्कोर कर दिया, मान लो इसने 50 मार दी नॉट आउट चाहे आउट जैसे मार दी, तो आपकी मिनी ग्रैंड लीग में टॉप 5 रैंक कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसको लोग लेके कमाएंगे और जो लेके आएंगे वो इसे कैप्टन वाइस कैप्टन में नहीं लाएंगे। ये चीज ध्यान रखना, मिनी ग्रैंड लीग होती है 400-500 स्लॉट्स, 1000-2000 वाले स्लॉट्स वाली। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, T20 रिकॉर्ड देखो, ताहिर वर्सेस एलेक्स हेल्स, 61 बॉल 77 रन, 3 बार आउट किया है इमरान ताहिर ने एलेक्स हेल्स को। ये है हमारा आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब एक बार अपनी स्मॉल लीग टीम पे नजर मारते हैं। देखो राशिद खान यहाँ पे आपको नजर तो आ रहा है, लेकिन अगर मैच में नजर नहीं आया तो ये मेरी टीम में भी नजर नहीं आएगा। ये बर्मिंघम का है, फिनिक्स का, और ये रॉकेट्स का लाइनअप। डाउन वाइज लिख दिया मैंने, अब मैं आपको बताता हूँ। कैट मोरे मैंने उठा दिया, एलेक्स हेल्स, लिविंगस्टन, मलान, विल स्मिथ, ये बल्लेबाजी पे मेरी टीम है। डैनियल सैम्स, मोइन अली, हॉवेल, राशिद खान, ताहिर, अब मैं आपको बताता हूँ सीबीसी में ये रहने वाले हैं, कोई चेंज नहीं होंगे। इनफैक्ट सी मैं अपना लिविंगस्टन को कर दूंगा, बीसी अपना मोइन अली को कर दूंगा। राशिद खान अगर नहीं खेलता तो किसी और बॉलर के लिए चल जाओ, वो सिचुएशन बेस्ड होगा कि कौन सी टीम पहले बॉलिंग कर रही है। और यहाँ पे आप वेट के लिए जा सकते हो एज योर 11th प्लेयर, और अगर आप खेलते हो किसी ऐसे ऐप पे आप जहाँ को 3 बॉलर लेने पड़ेंगे, तो आप फिर कोई भी अपने मन से 3 बॉलर, मतलब मान लो अगर रॉकेट पहले बॉलिंग कर रही है तो आप जा सकते हो मर्चेंट डिलैंगे के लिए, या समित पटेल के लिए जा सकते हो, या फिर आप जा सकते हो रिचर्डसन और एडम मिलने में। अगर बर्मिंघम पहले बॉलिंग करती है ना तो एडम मिलने को भी फिक्स कर दो, राशिद खान नहीं खेल रहा होगा तो केन रिचर्डसन को भी अपनी बॉलिंग लाइनअप में घेर देना। ये हो जाती है हमारी कंप्लीट टीम बैटिंग और बॉलिंग फैंटेसी। लिविंगस्टन, मलान, अली, कैडमोरे, वेड, मलान और वेड सीबीसी। बॉलिंग फैंटेसी सैम, ताहिर, मिलने, वुड, मर्चेंट मिलेंगे, ताहिर, सैम, सीबीसी। अगर सैम की टीम बॉलिंग नहीं कर रही पहले तो वीसी आप चले जाना एडम मिलने के लिए। या मैं एक चेंज और बता देता हूँ, लुइस ब्रेगोरी को अपनी टीम में रख लेना, 11वां प्लेयर अगर आप रखना चाहो। राशिद खान नहीं खेल रहा होगा तो उसको डाल देना, चाहे वेड को छोड़ देना, ये बॉलिंग भी करा लेता है, ये बैटिंग भी कर लेता है, दोनों चीज में अच्छा परफॉर्म करता है। तो हो गई हमारी कंप्लीट प्रेडिक्शन, सब कुछ खत्म। और अभी तक 100 मेंस में अच्छा ही विन रेट जा रहा है, 70 प्लस ही चल रहा है, जो एक अच्छा विन रेट होता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं यार। मैं आपको सजेस्ट करूं कैसे इन्वेस्ट करूं, तो अगर आपके पास जैसे 1000 का बजट होता है तो 1000 में से आप 500 इन्वेस्ट करो, वही पता कैसे, टुकड़ों में। मतलब आप 1,00,000 के लिए 50,000 वाला टुकड़ा मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट आपके भी समझ आएगी, मेरे समझाने में भी आसान होगा। मान लो 1,00,000 का बजट है किसी इंसान का, उसके बाद 50,000 है, तो 10,000 वाले 5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिए, इस तरीके से इन्वेस्ट करो तो आपके ज्यादा आने के चांसेस बन जाएंगे। मेरी तरफ से सभी को गुड लक, ये रही टीम, हर चीज आपको समझा चुका हूँ, इन्वेस्ट केयरफुली।